नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत शक्तिशाली बना देती है, परंतु कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के विशेष शक्तियाँ पाती है, परंतु वो शक्तियाँ सिर्फ उसी पूर्णिमा की वो एक रात तक ही उसके पास रहती है। इन शक्तियों के सहारे नागमणि कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है और कोई भी भारी चीज उठा सकती है। दोस्तों, नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं, तो अगर आप भी शिव के परम भक्त हैं तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, यह चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतापुर की। दरअसल ये घटित हुआ सीतापुर के मुखिया के यहाँ। सीतापुर का मुखिया सबसे धनी इंसान रतनलाल था, परंतु रतनलाल करीब आज से पहले एक साधारण एवं गरीबी का जीवन व्यतीत करने वाला इंसान था। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करता। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गया। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और रतन जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमचमाती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी। वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत वहां से जल्दी निकल गया। उस रात उसे वो चमकती चीज का बार बार ध्यान आ रहा था। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो कोई ना कोई मूल्यवान चीज तो जरूर है, और अगर वो उसे मिल जाए तो वो धनवान हो जाएगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ के पास गया और कुछ दूरी से उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये मौका अच्छा रहेगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी करेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी और बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठती है। अब रतन हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार कर रहा था। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से रतन ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी, बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति दोनों को मरा देखा तो उसके दुख का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से में पागल हो रही थी और उसने रतन से बदला लेने की ठान ली थी, परंतु मणि चले जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वह अपना रूप बदल सकती थी। उधर रतन को जैसे ही वो मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल काफ़ी अच्छी हुई और महंगे भाव में बिकी, उसकी जैसे लॉटरी से लग गई हो। वो जो भी धंधा करता उसे वहाँ हर जगह लाभ मिल रहा था, और रतन को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल था। गांव में हर जगह उसका नाम था। रतन के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता रतन के पास गांव से आया और सीमा नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। सीमा अपने पति रतन को बहुत प्यार करती थी और बहुत इच्छा देती थी। रतन भी अपने पत्नी के व्यवहार से बहुत प्रभावित था। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते, उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर रमेश नाम से रतन के यहाँ उसका मुंशी बन गया और रतन का विश्वास जीतने लगा। रतन भी रमेश के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन सीमा अपने पति रतन के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो और मैं गर्भवती हूँ। ये सुन रतन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी रमेश के पास गया और बोला कि देखो रमेश, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुकी हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और रमेश को कार में बैठाकर एक गांव के कोने में ले जाकर एक छोटी सी कुटिया के सामने अपनी कार रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ ने उसे जन्म देते देते चल बसी थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे, तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफन कर दिया था और रतन को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। रतन बताता है कि जब वह दुखी होता है तो इस कुटिया के पास चला आता है, जहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। और आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा हो।
दोस्तों ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आते हैं। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक पहाड़ी पर कार एक बड़े पत्थर से टकराती है और झटके के साथ रतन तो कार में ही फंसा रह जाता है, परंतु उसकी पत्नी सीमा पहाड़ से नीचे एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे ही बहुत गहरी खाई होती है। दोस्तों वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। रमेश अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण करता है। रतन रमेश को देख चौंक जाता है। वो नागिन बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी इसी स्थिति में थी जब रतन ने उसके पूरे संसार को मार दिया था, उसके पति और बच्चे को मार दिया था और आज उसके पास बदला लेने का मौका है। रतन घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रोकर नागिन को बोलता है कि भले ही मेरी जान ले लो परंतु मेरी गर्भवती पत्नी को छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वह स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है, वो जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने रतन का उसके पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और सीमा को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब रतन हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उसे रख कर फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत तक पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।